कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अब तक हजारों लाखों लोगों के प्राण निगल लिए हैं। लेकिन एक अन्य घटना भी है जो इसी दौरान सैकड़ों लोगों के प्राण ले चुकी है, वो है कोविड हॉस्पिटल्स में होने वाली आग की घटनाएं, यानी फायर एक्सीडेंट्स। इन घटनाओं में ना केवल कोविड पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई है, बल्कि हॉस्पिटल के उन कर्मचारियों ने भी अपनी जान गंवाई है जो वहां पे कोविड पेशेंट्स की देखभाल कर रहे थे। यहाँ हम आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल्स में, खास तौर पे इन कोविड हॉस्पिटल्स में लगने वाली आग के पीछे असली कारण क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये केवल एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हुई आग हो सकती है, और जैसे कि आजकल गर्मी काफी बढ़ रही है तो हो सकता है इसकी वजह से आग लग गई हो। लेकिन हम यहाँ पे आपको इनके पीछे होने वाले असली कारण बताएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन आग की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ये ऑक्सीजन सिलेंडर वैसे तो इस टाइम काफी जरूरी चीज हो चुके हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से काफी लोगों की जान बच रही है। लेकिन इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर ठीक से हैंडलिंग ना की जाए, मतलब इनकी ठीक से देखभाल ना की जाए, इनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये आग लगने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। ऑक्सीजन अपने आप में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, लेकिन ये दूसरी चीजों को जलाने में काफी मदद करती है। जिन लोगों ने भी आप में से साइंस पढ़ी है, वे जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना कितना जरूरी है। हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, आसपास के वातावरण में 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और 1% अन्य गैसेस होती है। ये 21% ऑक्सीजन जो हवा में होती है, यही हमें सांस लेने में मदद करती है। यदि हमारे आसपास की हवा में 19.5 से लेके 23.5% तक ऑक्सीजन हो, तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर होती है, जिसमें हम आराम से सांस ले सकें। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन का स्तर 24% से ऊपर चला जाए, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यदि 24% से ऊपर ऑक्सीजन होगी तो एक छोटी सी चिंगारी भी कहीं भी आग भड़का सकती है। वो छोटी सी चिंगारी आपके कपड़ों की रगड़ से भी उत्पन्न हो सकती है। आम तौर पर अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स में 60% ऑक्सीजन होती है। इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होते हैं, उनमें 100% तक भी ऑक्सीजन होती है। अब पेशेंट्स को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ये डिसाइड करने का काम उनको उनके डॉक्टर्स का होता है। वही बताते हैं कि इनका 60% ऑक्सीजन से काम चल सकता है, या 50% से चल सकता है, या इन्हें 60% से थोड़ा ज़्यादा भी ऑक्सीजन चाहिए। हालिया दिनों में जो कोविड की वजह से पेशेंट्स आ रहे हैं क्रिटिकल, जिनमें SpO2 लेवल काफ़ी कम हो जाता है, उनको 60% से ज़्यादा भी ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन ये 60% से ज़्यादा दी गई ऑक्सीजन उन पेशेंट्स के लिए तो सही है, लेकिन ये आसपास के वातावरण के लिए कितनी घातक हो सकती है, और किस प्रकार यही ऑक्सीजन अगर ठीक से हैंडल ना की जाए तो आग लगने का कारण भी बन सकती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। कोरोना के पेशेंट्स को अक्सर कोविड हॉस्पिटल्स में एक अलग वार्ड में रखा जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि कोरोना की ये बीमारी दूसरे लोगों में ना फैले जो उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो नर्सेज हों। लेकिन ये जो पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स होते हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, यही अक्सर आग लगने का कारण बनते हैं। अब ये किस प्रकार बनते हैं, ये हम आपको बताते हैं। कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन की अलग से सप्लाई भी होती है। लेकिन यदि इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन सप्लाई की जो वॉल्व्स होती हैं या होज होते हैं, अगर उनमें से कोई लीकेज हो, तो वो उन कोविड वार्ड्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, और वेंटिलेशन प्रॉपर इसलिए नहीं होता है जिससे कि कोविड का वायरस हवा के थ्रू किसी दूसरे रूम्स में ना जाए। लेकिन यही पुअर वेंटिलेशन वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कई बार बढ़ाने का काम कर देता है। अब यहाँ पे ये बढ़ा हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यदि 24% से ऊपर चला जाता है, तो एक हल्की सी चूक भी उस कोविड वार्ड में आग लगाने का कारण बन सकती है। अब वो छोटी छोटी चूकें क्या हो सकती हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के दौरान आग लग सकती हैं, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम आपको बताते हैं। सबसे पहली तो बहुत छोटी मिस्टेक जो ये है, जो आग लगने की दूसरी घटनाओं में पाई जाती है, वो है शॉर्ट सर्किट होना।
ये शॉर्ट सर्किट कैसे भी हो सकता है, या तो ओवरलोड की वजह से भी हो सकता है, या फिर छोटी सी चिंगारी जो आग लगने के लिए चाहिए वो केवल तब भी हो सकती है यदि आप अपना फोन चार्जिंग पर लगा रहे हो और उस टाइम कोई छोटी सी चिंगारी उत्पन्न हो जाए और वही आग लगा देगी। अगली चीज जो आग लगा सकती है वो है वहां टंगे हुए भारी भरकम पर्दे या दूसरी और टेक्सटाइल या मेटल की चीजें जो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के दौरान आग पकड़ने का बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। ऐसे टाइम पे लगी हुई आग अक्सर ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन सप्लाई भी होती है। कोविड वार्ड्स में मौजूद अलग अलग चीजें जैसे कि टेक्सटाइल मतलब कपड़े या मेटल्स, प्लास्टिक या रबर, ऐसी चीजें आग लगने पे बहुत तेजी से जलती हैं, खासतौर पे जब वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और ये आग को और भड़का सकती हैं। डैमेज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर ऐसी जगह पे होते हैं तो वो भी आग को बहुत ज्यादा भड़का सकते हैं और एक ब्लास्ट तक का कारण बन सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वॉल्स पे यदि डस्ट पार्टिकल्स जमा होते हैं तो उनको खोलते या बंद करते टाइम छोटा सा फ्रिक्शन, छोटी सी घिसट भी चिंगारी उत्पन्न कर सकती है जिसकी वजह से आग भड़क सकती है। इसलिए इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सफाई और इनकी प्रॉपर देखभाल काफी ज्यादा जरूरी होती है जो अक्सर नहीं की जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण आग लगने का होता है हैंड सैनिटाइजर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, हैंड सैनिटाइजर्स। आज के टाइम में कोविड से बचने के लिए यानी कोरोना से बचने के लिए जो हैंड सैनिटाइजर्स आ रहे हैं उनमें अल्कोहल 70% से ज्यादा होता है। ये 70% से ज्यादा अल्कोहल ही अक्सर आग लगने का कारण भी बन जाता है क्योंकि हम कोविड से बचने के लिए इन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स का ज्यादा ही उपयोग करते हैं और ऐसे में अल्कोहल की फ्लेम्स उस कोविड वार्ड के एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाती हैं और फिर एक जरा सी चिंगारी भी आग भड़का सकती है। कोविड वार्ड्स में उत्पन्न होने वाली अल्कोहल फ्यूम्स कोविड वार्ड्स की छतों की तरफ और उनकी दीवारों पर भी इकट्ठा हो जाती हैं जहां से ये और तेजी से आग पकड़ सकती हैं। तो इस प्रकार अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स आग लगने के खतरे को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। यदि कोविड वार्ड्स में एग्जॉस्ट फैंस यूज किए जाएं और उनकी डायरेक्शन खुली हवा की तरफ रखी जाए बाहर की तरफ कि वो वहां की हवा को निकाल के बाहर ओपन एरिया में फेंक दें तो इससे आग लगने के चांसेस को थोड़ा कम किया जा सकता है, बशर्ते एग्जॉस्ट फैंस की डायरेक्शन ऐसी दिशा में रखी जाए जहां वो हवा डायरेक्ट नॉन कोविड पेशेंट्स की तरफ ना जाती हो, क्योंकि हमें आग ना लगने के साथ साथ बाकी लोगों को कोविड से भी बचाना है। कई बार कोविड आईसीयूज में टंगे हुए भारी भरकम पर्दे भी आग लगने का कारण बन जाते हैं क्योंकि ये भारी भरकम पर्दे एक छोटी सी चिंगारी बड़े आराम से उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अगर फायर रिटार्डेंट क्लोथ्स मतलब ऐसे कपड़े जिनसे चिंगारियां उत्पन्न नहीं होती हैं, इस टाइप के पर्दे यदि आईसीयूज में टंगे हों तो आग लगने की घटनाओं को कम किया जा सकता है। अगला बड़ा कारण है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जरूरत से ज्यादा खपत। आजकल नए नए कोविड आईसीयूज जो बनाए जा रहे हैं वो अक्सर नॉर्मल वार्ड्स को ही कोविड आईसीयूज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इन कोविड आईसीयूज में ना तो प्रॉपर बिजली की फिटिंग होती है जो हैवी इक्विपमेंट्स को चला सके, इसलिए जब इन कोविड आईसीयूज में आप एयर कंडीशनर्स या अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि वेंटिलेटर्स वगैरह जब चलाते हैं तो यहाँ पे बिजली की जो अधिक खपत होती है जिसको यहाँ के तार नहीं झेल पाते हैं तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और वो आग लगने का कारण बन जाता है। आग लगने का अगला बड़ा कारण है फायर सेफ्टी की तरफ ध्यान ना देना। आज के समय में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हर हॉस्पिटल के पास अवेलेबल नहीं है और इनकी तरफ ज्यादा ध्यान इसलिए भी नहीं दिया जा रहा है जिससे कि हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट्स की मदद कर सकें, लेकिन यही नेग्लिजेंस यही अनदेखापन कई बार आग लगने का कारण बन जा रहा है। इन नियमों में छूट दी जानी चाहिए लेकिन इस हद तक नहीं कि इसकी वजह से किसी पेशेंट की जान ही चली जाए। इस समय पूरे भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके अफरा तफरी मची हुई है, जहां देखो वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। इसकी वजह से कई ऑक्सीजन सप्लायर्स कुछ ऐसे डैमेज सिलेंडर्स को भी सप्लाई कर दे रहे हैं जिनकी वॉल्स वगैरह ठीक नहीं है और ये भी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट्स का कारण बन रहा है। एक और चीज यह है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हैंडल किस तरीके से करना है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हैंडल करने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्योंकि
जैसा हमने आपको पहले बताया, ऑक्सीजन खुद ज्वलनशील नहीं है, लेकिन अगर उसके आसपास कोई आग होगी तो वो उस आग को बहुत बुरी तरीके से भड़का सकती है। हालिया दिनों में देखने में आया है कि लोग लंबी लंबी कतारों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए खड़े हुए होते हैं और वहीं खड़े होकर सिगरेट वगैरह ही पी रहे होते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि हमारी छोटी सी चिंगारी यहाँ पे आग को किस कदर भड़का सकती है। कुछ दिनों पहले हुई एक ऐसी घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई जो अपने पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने के लिए आए हुए थे। आज हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए और आप ब्लैक मार्केट से आराम से ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं। आराम से तो नहीं, आप कुछ दिक्कतों के बावजूद, लेकिन ले सकते हैं। और वहाँ कोई ये देखने वाला नहीं होता है कि आप उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ठीक से कैरी कर भी रहे हैं या नहीं। कई बार तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपस की रगड़ से ही चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। हमें उम्मीद है कि यहाँ बताई गई जानकारी को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे और इस तरह की गलतियाँ करने से बचेंगे और अपनों को भी इस तरह की गलतियाँ करने से रोकेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कोविड से नहीं बचना है, हमें इस ऑक्सीजन सिलेंडर्स के कारण उत्पन्न हुए खतरे से ही बचना है जो अब तक सैकड़ों लोगों की जान निकल चुका है।